इसराइल मुर्दाबाद। भारत में फुकुशिमा नहीं चाहिए, भारत में फुकुशिमा नहीं चाहिए। दोस्तों, आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत सरकार के साथ बातचीत करके न्यूक्लियर डील का फैसला करने जा रहे हैं और जापान के साथ ये न्यूक्लियर समझौता जो होने वाला है उसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका से हजारों करोड़ों रुपए का न्यूक्लियर रिएक्टर हम खरीद के मीठी वृदा में, गुजरात में और कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगाए जाएंगे। जापान से ये समझौता इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ हमने जो न्यूक्लियर डील किया था 6 साल पहले, उसमें हमने अमेरिका से वायदा किया था कि हम 10,000 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदेंगे, लिख के हमने दिया था। लेकिन अभी तक अमेरिका की कंपनियां वो न्यूक्लियर रिएक्टर हमें बेच नहीं पाए हैं। उसके लिए कुछ कारण है। हमने इस न्यूक्लियर डील के खिलाफ संघर्ष किया था, विरोध किया था, लेकिन सरकार उसको उस डील को आगे बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी का कानून पास कराया था हमने। उसमें सिर्फ ये बात थी कि कुछ न्यूनतम मुआवजा कॉम्पनसेशन अमेरिका की कंपनियों को देना पड़ेगा अगर यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे फुकुशिमा में हुआ है। इस पर बात अटकी थी और पार्लियामेंट के कानून के बावजूद अभी मोदी सरकार उस कानून को तोड़ मरोड़ के किसी तरह अमेरिका की कंपनियों को ये गारंटी दिया है कि आपको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। हादसा हो तो वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी होगी मुआवजा देने का। उसके बाद भी अमेरिका की कंपनियां यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी तक नहीं बेच पाए हैं। उसका कारण जैसे कॉमरेड सुंदरम ने बताया, अमेरिका के बड़े न्यूक्लियर कंपनियां वेस्टिंग हाउस, जनरल इलेक्ट्रिक, ये सिर्फ अमेरिकी कंपनियां नहीं है। वेस्टिंग हाउस का मेन मालिक अभी जापानीज है। जापानीज कंपनियां भी इस कंपनियों को ले लिया है और जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट है उसके बिना ये कंपनियां यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खरीदने के लिए जापान के साथ समझौता करें और इसीलिए अभी ये समझौता के लिए पिछले 4 साल से बातचीत के बाद अभी आखिरी दौर पर है इसको फैसला करने के लिए। और जापान की सरकार और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ये समझौता ऐसे संदर्भ में कर रहे हैं जहां जापान के बहुमत जनता इसके खिलाफ है। जापान की जनता चाहती है कि परमाणु टेक्नोलॉजी जापान किसी और देश को न दे और अपने ही देश में वो नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर चले। आपको पता होगा कि जापान के बिजली उत्पादन ज्यादातर पावर से है और फुकुशिमा के हादसे के बाद जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे, जापान को तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद करना पड़ा। वहां की मांग थी जनता की। उसके बाद शिंजो
आदमी है जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तय किया है कि जापान में भी न्यूक्लियर पावर को दोबारा पुनर्बहाल करेंगे और विदेशी एक्सपोर्ट्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बेचने के लिए भी वो कोशिश करेंगे। तो जापान की जनता के हित में ही ये नहीं है और जापान में भी इसके खिलाफ संघर्ष है और हमारे देश में जेतापुर जहां 6000 करोड़ रुपया खर्च करके हम अभी 2 न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने जा रहे हैं, कुल मिला के 6 लगाने जा रहे हैं। मीठी मिर्ची में भी 6 न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका के कंपनियों के लगाने जा रहे हैं और कोवाड़ा में श्रीकाकुलम जिले में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका के हम खरीदने जा रहे हैं। अभी तक गुप्त रखा गया है इसका दाम कितना होगा। जेतापुर में दुनिया के सबसे महंगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, फ्रांस ने जो अभी हमें देने के लिए कहा है, उससे बिजली उत्पादन होगा भी तो इतनी महंगी होगी वो बिजली, तो ये आम आदमी के लिए कोई काम में आने वाला नहीं है। एनरॉन जैसे कांड होने वाला है। दूसरा सुरक्षा का सवाल है। फुकुशिमा के अनुभव के बाद पूरी दुनिया जानती है कि आप 6 बड़े बड़े रिएक्टर एक साथ एक जगह लगाओगे तो एक रिएक्टर में हादसा होगा तो बाकी सब रिएक्टर में उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका नुकसान होगा। तो हमारे देश की जनता के लिए ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को यहाँ लगाना और एक ही जगह 6-6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का मतलब है कि इससे आम जनता के जान माल की सुरक्षा का सवाल उठता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं भी अमेरिका से हो, फ्रांस से हो, रूस से हो, ये सब विदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यहाँ लगाने की बात जो है उसका हम विरोध करते हैं और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील का मकसद यही था कि विदेश से हम बहुत पैसा खर्च करके इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यहाँ लगाना। तो हम चाहते हैं कि ये नीति ही बदले कि हमारे लिए एनर्जी ऊर्जा की जो जरूरत है उसको हमारे देश में न्यूक्लियर पावर के माध्यम से पूरा करने की नीति, हम इसका विरोध करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर की जो रिस्क है वो हमारे देश की जनता को उसको भुगतना पड़े। और जापान के साथ जिस जापान में हिरोशिमा नागासाकी का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिस जापान में फुकुशिमा का अनुभव है, ऐसे जापान से वहां की ये जो प्रतिक्रियावादी सरकार है, आबे की सरकार, जो जापानी जनता के हित के खिलाफ ही ये नीति लागू कर रहे हैं, हम जापान की जनता के साथ आज अपने भाईचारा प्रकट करते हैं और उसके साथ साथ हमारे देश में ये न्यूक्लियर एनर्जी के पॉलिसी के खिलाफ दो स्तर पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश में आम जनता के बीच में हमें ये बात ले जानी है कि हमारे देश में इस तरह के विदेशी न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे देश के जनता के हित में नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं, इस नीति को बदलो। दूसरे स्तर पर, जमीनी स्तर पर, आप जानते हैं जेतापुर में संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है, वहां पुलिस गोली से एक नौजवान की हत्या हुई थी जेतापुर के न्यूक्लियर प्लांट के संघर्ष के खिलाफ। हम वहां गए थे उनसे भाईचारा प्रकट करने के लिए, लेकिन वहां जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन मीठी वृद्धि में और कुवाड़ा में अभी तक जमीन अधिग्रहण जो जबरदस्ती वो करना चाहते हैं, किसानों से जमीन छीन के वो हो नहीं पाया है। अभी हमें संघर्ष वहां तेज करना पड़ेगा। तो वहां वो संघर्ष के लिए ये बहुत जरूरी है कि जापान के साथ ये समझौते का भी हम विरोध करें। तो ये अच्छी बात है
राजधानी में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे शहरों में भी हो रहा है। और मैं सीएनडीपी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आज यहाँ ये विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। और आज इस अवसर पर मैं हमारे साथी प्रफुल्ल बिदवाय को याद करना चाहता हूँ, जो लगातार हमारे देश में न्यूक्लियर पावर के खतरे के खिलाफ आवाज उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। और हमें ये संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में, और व्यापक रूप से हमें ये संघर्ष को आगे ले जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।